नमस्कार दोस्तों, आज हम 2 का स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल निकालना सीखेंगे बाय यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड यानी भाग विधि से। तो इसके लिए आपको कुछ आसान से स्टेप करने हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर 2 के लिए हमने 1 गुणा 1 लिया, कितना आ गया 1। जिसको यहाँ पर लेते हैं उस संख्या को एक बार यहाँ ऊपर लिखते हैं। ध्यान से समझना दोस्तों, यहाँ पे 1 गुणा 1 क्यों लिया, बिल्कुल सिंपल है। एक ऐसी संख्या लेना, उसका खुद के साथ मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने पर जो आपका वैल्यू आ रहा है वो आपका 2 से क्या रहना चाहिए, छोटा या 2 के बराबर। 1 गुणा 1 किया, 2 से छोटा रहा है, 2 से बड़ा नहीं आना चाहिए, ऐसे समझ लो। ठीक, आगे 2 गुणा 2 लेंगे आपका 2 से बड़ा आ जाएगा, तो उसको तो लेना नहीं है। ठीक है, फिर हमने 1 गुणा 1 को ले लिया। ओके, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप, इसको हमने ऐसे व्यवस्थित कर दिया। तीसरा स्टेप, इनको जोड़ना है और इसको घटाना है। 2 माइनस 1 कितना, 1 आ गया। उसके बाद देखिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर अपना इसको ऐसे लिख सकते हैं, संख्या को 0.00। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। दो दो अंकों को इस प्रकार से एक साथ लेकर अंडरलाइन कर देते हैं। इस पॉइंट को हम यहाँ ले आते हैं और अगले 00 यहाँ लिख देते हैं। ध्यान से सुनना दोस्तों, इसमें आपका 2 अंक एक साथ चलेंगे, इसीलिए हमने 2-2 को अंडरलाइन किया है। पॉइंट शिफ्ट करते ही अगले 00 यहाँ ले आना है, जो माइनस करने पर संख्या आ रही है उसके साथ लिख देना है। ओके, अब ये जो 2 है, 2 के साथ ऐसी कौन सी संख्या लें उसका गुणा करें कि हमें या तो 100 मिलना चाहिए या 100 से छोटी संख्या मिलनी चाहिए, यानी 100 से बड़ा नहीं आना चाहिए, ऐसे समझो। तो हमने अपना 4 लिया, 4 का गुणा किया, कितना आ गया 96, 96 आ गया, जो आपका 100 से क्या है, कम है। ओके, किसको लिया हमने, 4 को, इसको यहाँ लिख दे। फिर इसको हमने ऐड करना होता है, इसको माइनस करना होता है। माइनस करते जो संख्या आएगी इसके साथ अगले 00 ले आएंगे। ध्यान क्या रखना है, पॉइंट हमें केवल एक बार ही लगाना है। ओके, क्या करना है, पॉइंट हमें केवल एक बार ही लगाना है। अब हमारा कितना 400 बन गया, तो इसके साथ जैसे 2 लेंगे, 2 का गुणा करेंगे, 400 से बड़ा आ रहा है, हमें क्या करना है, 400 से बड़ा नहीं लेना है। तो 1 लिया, 1 का गुणा किया, कितना 281 आ गया, जो आपका 400 से छोटा है। किसको, 1 को लिया। तो यह जो हमारा वैल्यू बना है, ये आपका क्या है, 2 का वर्गमूल का वैल्यू है, 2 का स्क्वायर रूट का वैल्यू है। तो इस तरीके से हमने अपना स्क्वायर रूट ऑफ 2 फाइंड किया।